हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राजस्थान के जिला दर्शन की श्रृंखला अपन लेके चल रहे थे, बढ़ते बढ़ते हमने बाड़मेर तक पहुंच गए थे। आज वो जिला पढ़ेंगे जो राजस्थान में ग्रेनाइट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपको पता है, और वो जिला है जालौर जिला। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान के जालौर के जिले के बारे में। और साथ ही ध्यान दें, अपन जो बात करेंगे वो सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बातों पर अपन चर्चा करेंगे, वही हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं जालौर जिला। देखिए, जालौर जिला अपने सामने है। जालौर जिले में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जालौर का जो है वो आकार कैसा है। तो आकार आपको याद रखना है कि आकार है वहेल मछली के समान। वहेल मछली के समान आकृति कौन से जिले की है? तो जालौर जिले की है। याद रखिएगा, वहेल मछली के समान राजस्थान का एक किला भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उस किले का नाम है चित्तौड़गढ़ का किला। तो जालौर जिले का जो आकार है वो बताओगे किसके समान है? वहेल मछली के समान है। जानते हैं जालौर जिले के बारे में, जिला जालौर। जालौर का सबसे पहले याद रखना, इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या था? जबालीपुर था। यानी जालौर का प्राचीन नाम याद रखोगे जबालीपुर था। इसके बाद में इसका जो है वो नामकरण जालौर क्यों पड़ा? जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इस जिले का नाम जालौर रखा गया। जाल वृक्ष की यहाँ पे बहुत ज्यादा अधिकता थी, इस वजह से कहते हैं कि इसका जो नाम है वो जालौर जिला रखा गया। ध्यान दे, आगे इस जालौर को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी के नाम से अगर प्रसिद्ध कोई जिला है तो वो जिला है जालौर का जिला। आगे देखिए, इस जालौर जिले के अंदर, इस जालौर में अगर किसी वंश ने शासन किया तो वो वंश कौन सा था? सोनगरा चौहान वंश, जिसने 1181 ईस्वी में अपने वंश की स्थापना करी थी। कहते हैं कि जो सोनगरा चौहान वंश है ये नाडोल पाली से यहाँ आए थे। तो नाडोल के सोनगरा चौहानों ने यहाँ पे अपने वंश की स्थापना करी थी। साथियों, इस जालौर जिले का एक बहुत ही प्यारा सा किला है, उस किले का नाम है जालौर का किला। जालौर का किला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जो जालौर का जिला है इसके दो उपनाम मिलते हैं, स्वर्णगिरी और सोनलगढ़। स्वर्णगिरी जैसलमेर को कहते हैं, जैसलमेर किला को कहते हैं। स्वर्णगिरी जालौर का किला है, जिसका दूसरा जो उपनाम है वो सोनलगढ़ है। ध्यान दे, इसका जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था नागभट्ट प्रथम ने। कहते हैं, यानी ध्यान रखना है दोस्तों कि जो जालौर का किला है, इस किला का जो निर्माण करवाया था नागभट्ट प्रथम ने, इसका निर्माण करवाया था। और इस किले के बारे में बहुत प्यारी सी कहावत है कि राई के भाव तो रातों ही गए। ये कहावत जिस किले के बारे में प्रसिद्ध है वो किला है जालौर का किला। और यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे मलिक शाह पीर की यहाँ पे दरगाह बनी हुई है। जालौर के किले पर एक बार आक्रमण होता, सबसे पहले जालौर पर आक्रमण 1311 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो है इस पर आक्रमण करता है और इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। ये जालौर का पहला शाखा, तो याद रखिएगा, जालौर का पहला शाखा 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ था। और ये जो शाखे की अगर मैं बात करूं तो शाखे को लेकर अपने अलग से एक वीडियो अपलोड कर सका है। उसमें जहाँ तक कोशिश है, सारे राजस्थान कितने शाखे हुए थे, कहाँ पर कितना हुआ था, वो सारी डिटेल उसमें डाल रखेगी। तो आपको शाखे के बारे में जानना है कैसे जैसा का, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए आगे, और ध्यान रखना है, याद रखना है, जालौर का एक गांव है उसका नाम है भीनमाल। जो भीनमाल है उस भीनमाल का प्राचीन नाम है, वो प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल था। जालौर का भीनमाल जिसका प्राचीन नाम श्रीमाल था, यह जन्मस्थली किसकी है? कवि माघ और ब्रह्मगुप्त की। जालौर का भीनमाल जो गांव है वहां पे कवि माघ और ब्रह्मगुप्त की यहाँ पे जो है जन्म स्थली है। कवि माघ को
राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। आपसे पूछ ले राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है, तो कवि माघ को कहा जाता है। कवि माघ की प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम है शिशुपाल वध, और ब्रह्मगुप्त की उन्हीं के नाम पे एक रचना है ब्रह्म सपुट सिद्धांत। ब्रह्म सपुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की रचना है, शिशुपाल वध कवि माघ की रचना है। इसी बीनवाल के अंदर चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पर आए थे। इसके बाद में जालौर के बारे में याद रखना है, जालौर का एक गांव, उसका नाम है सांचौर। सांचौर का प्राचीन जो नाम है वो था सत्यपुर। जालौर के सांचौर का जो है प्राचीन नाम सत्यपुर था, याद रखिएगा। इसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब सांचौर जालौर को कहा जाता है। और याद रखिएगा राजस्थान के प्रथम गौमूत्र बैंक सांचौर जालौर में स्थापित की गई थी। एक जगह है जालौर के अंदर पथमेड़ा, जो देश की सबसे बड़ी गौशाला यहाँ पे बनी हुई है। याद रखिएगा देश की सबसे बड़ी गौशाला है वो कहाँ पर है, पथमेड़ा जालौर के अंदर। यहाँ पे राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय बना हुआ है, स्थापित है। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर है तो बताओगे, कामधेनु राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है, पथमेड़ा जालौर के अंदर है। इसके बाद में याद रखना है जालौर का शुभंकर, और शुभंकर है भालू। जालौर का शुभंकर क्या बताओगे, भालू बताओगे। इसके बाद में जालौर का एक गांव है, उसका नाम है सीलू गांव। सीलू गांव जो है वो किस नाम, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर नर्मदा नहर परियोजना का प्रवेश होता है। नर्मदा नहर परियोजना का जो प्रवेश है वो सीलू गांव जालौर से होता है। इसी जालौर के अंदर एक माता है, उस माता रानी का नाम है सुंदा माता। याद रखिएगा इस माता के मंदिर में चामुंडा माता की मूर्ति लगी हुई है। सुंदा माता का जो मंदिर है वो बीनवाल के अंदर है, और यही याद रखनी है, ये जो बीनवाल है बालू संरक्षित क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है, और यहाँ पर बालू अभ्यारण प्रस्तावित हो रखा है। इसके अलावा याद रखना है राज्य का प्रथम रोपवे जो है वो कहाँ निकाला था, सुंदर माता मंदिर के अंदर राज्य का प्रथम रोपवे यहाँ पर है लगा था। इसके अलावा जालौर के बारे में आपको याद रखना है कि जालौर का पांचोटा गांव प्रसिद्ध है, कौन सा है, पांचोटा, जहाँ पर मल्लीनाजी का जो है मंदिर बना हुआ है। पंचमुखी फाड़ी पांचोटा जालौर के अंदर मल्लीनाजी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा रानीवाड़ा जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी के लिए प्रसिद्ध है। जालौर का रानीवाड़ा जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सेवड़िया पशु मेला का भाई आयोजन होता है। इसके अलावा जालौर का एक गाँव प्रसिद्ध है सातू गाँव, वो सातू गाँव जहाँ पर वीर फत्ता जी का जो है मंदिर बना हुआ है। तो वीर फत्ता जी का जो मंदिर है वो कहाँ है, सातू गांव जालौर के अंदर ही बना हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जालौर का एक गांव है सिरे मंदिर है, उस मंदिर का नाम है सिरे मंदिर। सिरे मंदिर जो है वो नाथ संप्रदाय की पीठ माना जाता है। याद रखिएगा नाथ संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो महामंदिर जोधपुर के अंदर है, लेकिन याद रखिएगा जालौर के अंदर सिरू गांव के अंदर, सिरे गांव के अंदर नाथ संप्रदाय की एक पीठ स्थापित की गई है। इसके अलावा जालौर का मोदरा गांव है जहां पर आशापुरा माता का मंदिर है, और याद रखिएगा दोस्तों आशापुरा माता है सोनग्रह चौहानों की कुल देवी है। दोस्तों इसके अलावा याद रखना है कि जालौर जो है जालौर के अंदर इसबगोल मंडी है। इसबगोल मंडी आपसे पूछे तो दोस्तों बताना है इसबगोल मंडी जालौर के अंदर है। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान। जालौर की जसवंतपुरा की पहाड़ियां प्रसिद्ध है, उनमें से एक चोटी है, उस चोटी का नाम है डोरा पर्वत, और डोरा पर्वत जो पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। याद रखिएगा दोस्तों कि पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर। 869 मीटर पश्चिमी राजस्थान का डोरा पर्वत है, जो पश्चिम राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा अन्य दो तीन चोटियों के बारे में आपको याद रखना है, एक है इसराना भाकर जिसकी ऊंचाई है 839 मीटर। इसके अलावा एक और है रोजा भाकर जिसकी ऊंचाई है 730 मीटर। अंतिम और जालौर जिले की अंतिम याद रखना, यहाँ का जो लेटा ग्राम है
वो खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। खेसला उद्योग यानी पीले ग्रेनाइट के लिए यहाँ का जो है वो लेटा ग्राम प्रसिद्ध है। तो साथियों, आज का जो सेशन है यही अपना समाप्त होता है, और यह उम्मीद रखता हूँ ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो साथियों के साथ शेयर करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना जो भी सुझाव है इस जालौर के बारे में नहीं, अगर आपको कुछ जानकारी है किसी भी प्रकार से कुछ जानकारी, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, हमें भी पता लगे, और आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें यह अनुभव होता है कि इसके बारे में नया अपन कॉन्सेप्ट कैसे तैयार करें। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट डोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।